आपका इलेक्ट्रिक हाइड्रो पावर प्लांट लास्ट सेशन मैंने कवर किया था, लास्ट टॉपिक आपका था हाइड्रो पावर प्लांट का, ये था आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो मैंने लास्ट बता दिया था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं जो हाइड्रो पावर प्लांट में टर्बाइन लगती है। ठीक है, टर्बाइन के बारे में मेन हमें यही पढ़ना है, टर्बाइन लिखी है तो किस हाइड्रो पावर प्लांट में कौन टर्बाइन लगेगी उसके बारे में जानना है। तो स्टार्ट करते हैं टर्बाइन का, पहला आपका इम्पल्स टर्बाइन है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पेल्टर फील्ड टर्बाइन। ये आपका पेल्टर टर्बाइन है, पेल्टर फील्ड टर्बाइन भी कहते हैं। ठीक है, और पेल्टर व्हील भी कहते हैं या पेल्टर फील्ड टर्बाइन भी कहते हैं। तो ये आपका इम्पल्स टर्बाइन। आप लोगों ने एफएम में लैब वन में एक्सपेरिमेंट किया होगा इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन का या इंपैक्ट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो वही चीज है ये आपका। तो इसमें आप कह सकते हो कि जो टरबाइन है इसमें सिंपल हम कह सकते हो कि जो वाटर है उसको डायरेक्ट हम स्ट्राइक कराते हैं फिल्टर फिल्टर वाइन में। मतलब कह सकते हो कि जो पानी है उसको डायरेक्ट टरबाइन के ब्लेड पे स्ट्राइक कराते हैं बिना किसी केसिंग वगैरह या फिर सब बिना किसी एनर्जी कन्वर्जन से। ठीक है, जैसे एनर्जी कन्वर्ट करके नहीं, तो डायरेक्ट पानी का जो है जो जेट होता है उसको स्ट्राइक कराते हैं। ठीक है, तो पहले देखो डायग्राम में दिखता कहता है, उसके बाद इस टॉपिक पे आते हैं। पैटर्न फील तो मैंने डायग्राम में रखा है, पहले दिखा देता हूँ। ये आपका पेल्टर व्हील टरबाइन, ये जो दिख रहा है ये पाइप, इससे पानी इस पे पड़ता है। ठीक है, और ये जो बकेट कहते हैं इसको ऐसे होता है, ये स्पैचुला टाइप का होता है, दिख रहा है ये, इसको हम लोग बकेट बोलते हैं। इसमें ये जो पानी यहाँ से निकलता है इस जगह से, या यहाँ से कह लो जहाँ मैं रह रहा हूँ, ये पानी इसमें पड़ता है यहाँ पे सामने, और इससे डिस्ट्रीब्यूट होकर इधर निकलता है, इससे डिस्ट्रीब्यूट होकर इधर निकलता है। ठीक है, तो अब सोचो कि वाटर पानी जो है वो ऐसे आ रहा है, इसने स्ट्रेच टाइप किया, और ये इसका शाफ्ट है, इस पूरे को बोलते हैं रनर, ये जो होता है ये आपका होता है रनर। ठीक, और ये बकेट है, इस पर जब पानी स्ट्राइक करता है तो ये नीचे घूमने लगता है, तो ये जब रोटेट करता है तो उसके साथ ये शाफ्ट भी रोटेट करता है, और शाफ्ट को हम ले आके कहीं भी अल्टरनेटर या जनरेटर में लगा देते हैं जहां से हमें बिजली मिल जाती है। ठीक है, इमेजेस और भी हैं, मैं दिखाता हूं इसका। जैसे बाकी टरबाइन में वो क्या है कि ये केसिंग लगी हुई दिख रहा है, ये सब टरबाइन है, जैसे मान लो फ्रांसिस टरबाइन है, तो इसमें क्या है ना कि देखो ऐसे पानी जा रहा है और ऐसे घूमे ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं, तो इसमें केसिंग लगी हुई है इस तरीके से। तो इसमें हम एनर्जी मतलब कन्वर्ट करते हैं, देखो एरिया घटाया जा रहा है, जब एरिया घटा रहा है आगे बताऊँ तो मैं, तो वेलोसिटी हेड बढ़ जाता है और प्रेशर हेड आपका फिर से घट जाता है। यहाँ एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं, हेड से कन्वर्ट करते हैं, तो ये रिएक्शन टरबाइन में आता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, ये रनर है इसका ऐसे रहता है ये। ठीक है, और ये इसके अंदर है। ठीक, और चारों साइड से इसको इस केसिंग से पैक कर दिया गया होता है। ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन टरबाइन कहलाती है। ठीक है, देखो अब होता क्या है, ये इमेज है, इसमें क्या कर रहा है पानी ऐसे आया, ये उसका ब्लेड है रनर है, इस पे स्ट्राइक करता है और ऐसे घुमाता है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है आपका टरबाइन, पानी के स्ट्राइक से उसको रोटेट कराते हैं। ठीक, देखो ये पैटर्न में टरबाइन के बारे में, यहाँ पे देखिए इससे क्लियर होगा। देखो ये नोजल है, यहाँ से पानी का जेट बाहर आता है ऐसे, ये रनर है, रनर के ऊपर ये बकेट लगे, देख रहा है ये छोटे छोटे जो ये सब बकेट लगे, ये सब बकेट है आपके, ये पानी की धार है जो एक बकेट पे स्ट्राइक करती है, इससे ये रोटेट करता है इस तरीके और ये घूमता है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे अब कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो हेड होना चाहिए वाटर का, वो हेड ज्यादा होना चाहिए,
आपका, ठीक है। तो उतने हेड से जब ये स्ट्राइक करेगा तो ये ऐसे रोटेट करता है। हरी बात सुन, तो आपका हाई हेड की रिक्वायरमेंट है, डैम बना होगा पहाड़ों में होता है, जहाँ पहाड़ी इलाके होंगे, जहाँ पे पानी अच्छा खासा स्टोर कर लेते हो, जहाँ आपको अच्छी खासी हाइट मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जैसे टेबल फैन समझो, ये टेबल फैन का ब्लेड है यहाँ पे, और इसपे एक पाइप से आप पानी स्ट्राइक कर रहे हो, तो क्योंकि टेबल फैन के ब्लेड पे आप जिससे पानी डालते हो ना गार्डन वगैरह पेड़ वगैरह में, इससे आप स्ट्राइक कर रहे हो, तो ये क्या होगा, ये स्ट्राइक करेगा इससे और इससे ये रोटेट करना शुरू करेगा इस तरीके, ठीक है। हरी बात समझ में, इस तरीके से ये काम करता है। कंपोनेंट क्या क्या हो जाएंगे देखो, कंपोनेंट की बात करेगा तो अब ये जो केसिंग लगती है इसके ऊपर, ये सिर्फ पानी के छिड़काव को बचाने के लिए, जैसे पानी स्ट्राइक करेगा तो छिड़कता है इधर उधर, तो बस इस केसिंग का सिर्फ इतना मतलब होता है, ये एयर टाइट चैम्बर नहीं होता है, इसमें एयर रहता है, तो ये केसिंग सिर्फ वाटर की स्प्लैशिंग को रोकने के लिए लगाया जाता है कि पानी का जो स्प्लैशिंग इधर उधर हो रहा है उसको रोक सका जाए, ठीक है। और इसमें बेसिकली आप सिंपल है, कर्म क्या क्या होंगे, एक पेनस्टॉक जिससे पानी आता है, डैम से पानी टरबाइन पे आता है, उसको बोलते हैं पेनस्टॉक। इसमें क्या होता है, नोजल लगा होता है, ठीक, यहाँ से पानी जाता है, ये स्पीयर होता है, यहाँ पे आपका जेट ऑफ वाटर दिख रहा है, ये बकेट्स हैं जितने लगे हुए हैं, ये सब दिख रहा है आपको, ये सारे बकेट्स लगे हुए हैं, अभी मैंने दिखाया ना, ये सब ऐसा होता है बकेट, ये होता है बकेट आपका। फिर इसमें रनर होता है, जो बकेट जिसपे लगता है माउंट होता है उसको बोलते हैं रनर, ठीक है। और उस रनर से आपका बीच में यहाँ दिख रहा है ना, ये चीज ये साफ होता है, एक रॉड ऐसे लगी होती है जो उसके साथ साथ घूमती है। इसके बाद यहाँ होता है ब्रेक नोजल, जैसे गाड़ी में ब्रेक अप्लाई करते हो वैसा ही ब्रेक नोजल होता है, कि जैसे इसको क्या है कि यहाँ जब स्पीयर लगा है, इससे हम पानी की मतलब बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो रोकने के लिए हम टरबाइन को नहीं रोक सकते, अगर टरबाइन को यहाँ स्टॉप कर देंगे तो ये इसका ब्लेड तोड़ देगा, ठीक है। इसलिए टरबाइन को हम ब्रेक के लगा सकते हैं, जिस पानी से घूमता है उसी पानी को हम वोल्ट एक्शन से स्ट्राइक करके रोकते हैं। जैसे मान लो तुम सामने से, मेरे समझ रहे हो कि एक गाड़ी ऐसे जा रही है, सामने से हम बहुत तेज एयर थ्रो कर रहे हैं इसके ऊपर, तो वो एयर क्या करेगा, सामने स्ट्राइक करेगा तो वो रुक जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है कि हम यहाँ टरबाइन को ना रोक करके, मतलब उसी बकेट के ऊपर उल्टा पानी स्ट्राइक करते हैं। मान लो यहाँ पानी स्ट्राइक करा है तो ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ठीक, अब ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, अब यहाँ से स्ट्राइक कराएंगे तो ये इसको ऐसे घुमाएगा, दिख रहा है ये, तो इस तरीके से कि मतलब ये इसको रोकने की कोशिश करता है, यहाँ ये इसको ऐसे घुमाएगा, ये ऐसे स्ट्राइक करेगा, ये बकेट्स है यहाँ साफ लगा है, ठीक है, इस तरीके से ये घुमाता है पूरा, ठीक है। और इससे हमको वाटर से रोटेशनल एनर्जी निकल जाती है पूरी, देखो। अब अगर हमें इसमें आता है ना कि क्या सिर्फ एक जेट चाहिए होता है, तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, मतलब आपको जैसे टरबाइन के ऊपर ज्यादा मल्टीपल हेड प्रोवाइड कर रहे हो, मल्टीपल जेट लगे, एक दो तीन चार पाँच जेट लगे, दिख रहा है, एक और ये टेंजेंशियल प्रोवाइड, ये टेंजेंट बनाते हैं, देखो ये ऐसे टेंजेंट, ये ऐसे टेंजेंट, ये ऐसे टेंजेंट, ये ऐसे टेंजेंट, ये ऐसे टेंजेंट। क्या होगा कि मैंने को पहले एक आदमी उसको खिंचा रहा था, अब पांच आदमी मिलकर उसको खिंचा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि पांच लोग इसको घुमा रहे हैं इस तरीके से, ठीक।
ये मल्टीपल जेट से होते हैं, जो कंपोनेंट्स आएंगे। अगर मैं क्रिटिकल पोर्शन स्टार्ट करता हूँ आपका, तो टरबाइन क्या है, क्या क्या लिखा है कि वाटर स्ट्राइक द वेन, यानी वही जो बकेट पे स्ट्राइक करता है टेंजेंट, अगर मतलब बना टेंजेंट बनता है कि ये ऐसे बना हुआ है, इस पर टेंजेंट बना के निकलेगा, ठीक। और यहाँ पे क्या होता है कि केवल काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होती है, इसलिए टेंजेंशियल फ्लो को टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन और इंपल्स टरबाइन भी कहा जाता है। अब इसमें क्या है कि जो बेल्टन व्हील टरबाइन है, इसमें क्या होता है, जो वाटर जेट इंपैक्ट करता है ब्लेड के ऊपर वो रोटेट करता है, ठीक है, और उसी पानी से वो पूरा रोटेट करता है। कंपोनेंट्स में क्या क्या मैंने बताया ना आपको, दिखा दिया नॉजल, ठीक है, तो ये कितना अमाउंट ऑफ वाटर किस वेलोसिटी से किस इंपल्स पे स्ट्राइक करेगा वो कंट्रोल करता है। केसिंग, केसिंग का सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है स्ट्रेसिंग ऑफ वाटर। यहाँ पे बेल्टन व्हील टरबाइन में केसिंग आप ना भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जो पानी स्ट्राइक करके जो फैलता है तो उसको रोकने के लिए कि जो स्ट्रेसिंग होती है पानी की, जो पानी छिड़कता है उधर उसको रोक सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप किसी दीवार में पानी मारो तो वहां से बाउंस बैक होकर छिड़क जाता है, उसको रोकने के लिए हम लोग एक केसिंग लगाते हैं जो कि एयर टाइट चैम्बर नहीं होता है, ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर होता है और इससे मतलब केवल पानी का जो स्प्लैशिंग है वो रुकता है छिड़काव। इसका पावर जनरेशन, एनर्जी कन्वर्जन या किसी भी तरीके से कोई मतलब नहीं है। बेल्टन व्हील में केसिंग का कोई मतलब नहीं होता, ये इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे, तो बेल्टन व्हील में केसिंग का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहता, ठीक। फिर आता है रनर विद बकेट, ठीक है, ये होता है सर्कुलर डिस्क के पेरिफेरी पे और इस पे इवनली स्पेस बकेट होते हैं जुड़े हुए, ठीक। के बाद ब्रेकिंग जेट होता है, ये तब होता है कि जब आपको मिनिमम बहुत जल्दी उसको रोकना होता है टरबाइन, ठीक है। रनर विद बकेट मैंने बता दिया आपको, उसका डायग्राम में दिखाया, ठीक है, एक बार फिर देखना हो तो देख सकते हो। रनर विद बकेट ये होता है, ये शाफ्ट है, ये रनर है, ये चीज आपका रनर है और ये जो लगे हुए हैं ये सब, ये सारे के सारे आपके बकेट है। एक हिस्सा यहाँ दिखाया गया है, ये नोजल है। अब देखो इसी के ऊपर एक हम लोग ऐसे फाइबर का ऐसे एक कवर लगा देंगे, ऐसे कर सकता है ऐसे। अब ये क्या करेगा, ये जो पानी स्ट्राइक करके जरा फैलेगा ऐसे ऐसे उसको रोकने के लिए, ठीक है, वो केसिंग का कोई और मतलब नहीं होता है, ठीक। तो ये आपका बेल्टन व्हील टरबाइन का था, वर्किंग मैंने बता दिया आपको, ठीक है। कंपोनेंट का अगर ये नोट करना हो नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, मेन पार्ट ऑफ बेल्टन व्हील टरबाइन। नोजल, केसिंग, रनर विद बकेट और ब्रेकिंग गेट, इतना हो गया। इसके बाद ये डायग्राम है इसका, ठीक, बकेट, रनर, ब्रेकिंग नोजल, पेनस्टॉक, स्पेयर, जेट, ये सारी चीजें, ठीक। वर्किंग मैंने बता दिया आपका, सिंपल कह सकते हो कि
वर्किंग में क्या है कि वाटर जेट पे ब्रेड पे स्ट्राइक करता है, फिर 200 में बढ़ता है, दिखाया ना मैंने आपको बकेट 200 में कटा हुआ है, 200 में बढ़ जाता है, फिर वो बकेट को घुमाता है उस तरीके से। इस पे वेलोसिटी एंगल पे क्वेश्चन आते हैं, मैं आगे कराऊंगा उसको, ठीक। फिर जो मोमेंटम होगा उसकी वजह से वो घूमना शुरू करता है और इम्पल्सिव फोर्स लगता है, इसीलिए उसको इम्पल्स टरबाइन भी कहते हैं। और अगर हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है तो जो मैक्सिमम 2 जेट लगा सकते हैं, वर्टिकल शाफ्ट है यानी शाफ्ट ऐसे लगा हुआ है वर्टिकल, और एक होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में एक इधर जेट और एक इधर 2 लगा सकते हैं आप, ठीक है। और वर्टिकल में इधर से इधर से इधर से इधर से 4, 5, 6 लगा सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। और इसमें लगा ना आयरन और स्टील केसिंग या फाइबर लगाते हो तो वो केवल पानी की स्प्लैशिंग रोकता है, और पानी को टेल रेस यानी जो नीचे जो जहाँ पानी गिरता है उससे निकल के उसको बोलते हैं टेल रेस, ठीक है, वहां लेके पहुंचा देता है उसको, ठीक। देखो ये इसका बकेट हो गया और ये टेल रेस है, नीचे यहाँ लिखा है ये टेल रेस है, ये तो पानी छिटक के इससे लड़ के वापस नीचे आता है, यहाँ से लड़ेगा यहाँ वापस आएगा यहाँ लड़के यहाँ वापस आता है, ठीक है। ये हो गया पेल्टन फिल्ड टरबाइन। तो अभी इसके अभी 2 टरबाइन और बची है, फ्रांसिस और आपका कह सकते हो कैपलेट टरबाइन। तो इस लेक्चर में पेल्टन फिल्ड रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूँ, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फ्रांसिस टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे। Thank you, class.